एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू गाइस वेल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही लाजवाब और इजी रेसिपी एंड यूनिक भी है। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। ये बहुत ही इजी है, यानी कि प्याज और शिमला मिर्च की सब्जी बनाएंगे हम यहाँ पे, सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स है। तो चलिए बनाते हैं हमारे किचन में। यहाँ पे मैंने लिया है 3 मीडियम साइज़ के प्याज और 4 मीडियम साइज़ के शिमला मिर्च। मैंने इसे क्यूब्स में कट कर लिया है, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग से दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है और इसे अब हम कढ़ाई में डालेंगे। प्याज और शिमला मिर्च को हम साथ में फ्राई करेंगे, अलग अलग फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। और इसे हमें सिर्फ 1 से 2 मिनट तक सौते करना है, लाइक ओवर कुक नहीं करना है, सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है, क्योंकि सब्जियों में अगर क्रंची रहेंगी सब्जियाँ तो बहुत अच्छी लगती हैं। तो फटाफट हम इसे 2 मिनट फ्राई कर लेंगे। अब ऑलमोस्ट 2 मिनट हो गया है, ये देखिए। तो हम इसे निकाल लेंगे, बिल्कुल इतने पे ही हमें सब्जी को निकाल लेना है बाहर, नहीं तो अब ज़्यादा रखेंगे तो ओवर कुक हो जाएगा और उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो अब हम इसे निकाल लेते हैं फटाफट। और सब्जी को निकालते टाइम थोड़ा ऐसे करके निकालें, इससे क्या होता है कि एक्स्ट्रा ऑयल जो होता है वो निकल जाते हैं। तो अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और अब इसी कढ़ाई में हम इसके लिए ग्रेवी बनाएंगे सब्जी के लिए। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है लाल मिर्च, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ, 1 मीडियम साइज़ का प्याज और 2 मीडियम साइज के टमाटर डालेंगे। और सब एक साथ हम डाल लेंगे अपने इंग्रेडिएंट्स बारी बारी से, जो मैंने अभी बताया आपको। और उसे 1 मिनट तक के लिए ही फ्राई करना है, क्योंकि इस सब सब्जियों को हम ग्राइंड करने वाले हैं, यानी प्याज टमाटर जितना भी है सबको ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो ऐसे इसे कच्चा भी ग्राइंड कर सकते हैं, बट फ्राई करके ग्राइंड करने से थोड़ा अलग टेस्ट आता है और हमें बार बार अलग अलग लाइक ट्राई करते रहना चाहिए ट्रिक्स। तो इसे ग्राइंड कर लेंगे। अब ये हो गया, इसे निकाल लेते हैं और ग्राइंड करते हैं। मसालों को हम वापस से उसी कढ़ाई में ऐड करेंगे और उसमें उसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और फिर उसमें हम डालेंगे थोड़े मसाले। मसालों में ज़्यादा कुछ है नहीं, 1/2 टेबल स्पून हम टर्मरिक ऐड कर लेंगे यहाँ पर, 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच हम डालेंगे ब्लैक पेपर एंड थोड़ा सा गरम मसाला डालना है हमें यहाँ पे। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को। मसाले मिक्स करने के बाद हमें उसे ढक के 2 से 3 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है। अब चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मसाले हमारे भुन चुके हैं, कितने अच्छे से भुने हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे दही, 2 बड़े चम्मच दही डालना है हमें। दही आप डायरेक्ट फ्रिज से निकाल के नहीं डालें, नहीं तो मसालों में जाने के बाद फट सकते हैं वो। तो आप पहले से निकाल के दही को और रूम टेम्परेचर पर रख के मिक्स कर लीजिए और फिर मसालों में यूज़ कीजिए। दही डालने के बाद देखिए कलर कितना अच्छा आया है मसालों का। और अब हम इसमें अपनी सब्जियां डाल देंगे, यानी कि शिमला मिर्च और प्याज। कभी कभी होता है कि रेगुलर सब्जियां खा के इंसान बोर हो जाता है और समझ में नहीं आता है एक्चुअली कि खाएं क्या। तो हम ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कर सकते हैं और बहुत बहुत अमेजिंग लगती है ये खाने में और बहुत ईजी है, फटाफट बन जाती है लाइक 10 या 20 मिनट्स में। तो अब हम इसमें, आप चाहें तो पानी ऐड कीजिए, मैं यहाँ पर नहीं ऐड करूँगी। और 2 मिनट बाद देखते हैं। तो ये देखिए जब आप सब्जियाँ ऐड करेंगे मसालों में तो वो पानी अपने आप थोड़ा बहुत आ जाता है, बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हम ऑलरेडी दही मिला रहते हैं। और अब धनिया पत्ता डालेंगे, उसे मिक्स करेंगे और गैस को कर लेंगे बंद, क्योंकि सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है। और उसे एक बाउल में निकाल लेंगे या जिस भी बर्तन में आपको लाइक देना है उसमें निकालिए आप। ये देखिए सब्जी कितनी अमेजिंग बनी है ना, बहुत अच्छी लग रही है देखने में एंड खाने में भी। तो आप रेसिपी को ट्राई कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। थैंक यू।